नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के तरफ से आए हुए नोटिफिकेशन के बारे में, जहां पे आपको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि पीजीटी पोजीशन में वैकेंसीज देखने को मिलेगा इन डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो ह्यूज वैकेंसीज के साथ नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है। सब्जेक्ट के साथ साथ यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स क्या होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसीजर, एप्लीकेशन प्रोसीजर, यहाँ पे बहुत सारे नियम जो है ये लागू किया गया है। तो क्या क्या नियम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, वो सारे सब कुछ जो है डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी तरीके की प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन। मेरे चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वहाँ पे भी जाके आप लोग चेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं अदर जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि वहाँ से भी आपको मदद मिलेगा। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे पोस्ट वाइज यानी कि सब्जेक्ट वाइज एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, जो कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करते टाइम जरूरत पड़ेगा। उसके साथ साथ कैडर वाइज एंड कैटेगरी वाइज आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगा। तो कौन कौन से सब्जेक्ट से वैकेंसीज को रिलीज किया गया है वो एक बार चेक कर लेते हैं। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फाइन आर्ट्स, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फिजिकल साइंस, म्यूजिक, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, उर्दू, पंजाबी। एंड टोटल वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे 3000 प्लस वैकेंसीज यानी कि 3069 वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज किया गया है। 69 वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज किया गया है। ओके, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आप लोग चेक कर लेना। उसके बाद चलते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन पर। तो देखिए जो भी यहाँ पे पोस्ट दिए गए हैं यानी कि पीजीटी पोस्ट, उसके लिए आप देख सकते हैं मैट्रिक विद हिंदी और संस्कृत, या फिर अगर आपने 10+2 यानी कि 12th पास किया है उसके साथ बीए एमए कंप्लीट किया है विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, एंड एज टेट यानी कि हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में से कोई भी एग्जाम क्लियर किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो कंसिस्टेंटली गुड होना चाहिए यानी कि थ्रू आउट जो है आपका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी देखने को मिलेगा, यानी कि मास्टर्स डिग्री में कौन सा सब्जेक्ट में अप्लाई करने के लिए क्या सब्जेक्ट होना चाहिए वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है उसके अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं सीधे, देखिए जो लास्ट डेट है आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे 14th August यानी कि जो अगस्त आने वाला है उसका 14th डेट को आपका लास्ट डेट रखा गया है। ठीक है, तो 14th अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं एग्जाम पैटर्न पर। तो देखिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाला है उसका टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहने वाला है, तो टोटल 100 क्वेश्चंस होगा एंड टोटल मार्क्स 100 है यानी कि हर एक क्वेश्चन का ही करेगा 1 मार्क। 2 घंटे का एग्जाम होगा, द टाइम ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम 2 आवर्स, एंड द सब्जेक्ट वाइज सिलेबस जो है वो इसी नोटिफिकेशन के साथ इंक्लूड कर दिया गया है जो कि आपको देखने को मिल जाएगा लास्ट में। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक चीज है जो कि न्यू है, मतलब जिन लोगों को आदत है वो तो ठीक है, जिन लोगों को आदत नहीं है थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आपको जो है एग्जाम देना है। बिकॉज देखिए हर एक क्वेश्चन में यहाँ पे 5 ऑप्शन रहेगा, ठीक है, ए बी सी डी ई। अब कोई भी क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा वो ए बी सी डी में होगा यानी कि जो फर्स्ट 4 ऑप्शन होगा उसमें होगा, एंड जो ई ऑप्शन है वो आपको डार्क करना है तभी जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, आप अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आप ऐसे ही ब्लैंक नहीं छोड़ सकते कोई भी सर्कल को, आपको जो है ई वाला सर्कल जो है उसको डार्क कर देना है। अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं, 10% से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ देते हैं, मतलब कोई भी सर्कल को डार्क नहीं करते हैं, तो आप जो है डिस्क्वालीफाई आपको कर दिया जाएगा। ठीक है, इवन अगर मतलब एक भी क्वेश्चन में जो है पांच के पांच सर्कल में से कोई भी सर्कल आपने डार्क नहीं किया, अगर आपने अटेम्प्ट भी नहीं कर रहे फिर भी आप ई वाला सर्कल को डार्क नहीं कर रहे, तो उसके लिए भी आपको 0.25 मार्क्स का डिडक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, गलत आंसर मतलब देने के साथ साथ जो है 0.25 यानी कि 1/4 मार्क्स डिडक्ट किया जाता है वो तो होगा ही होगा। अगर आप गलत आंसर देते हैं तो फिर 0.25 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा, वो तो सही है। बट यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं कर रहे हैं और ई वाला सर्कल को डार्क भी नहीं कर रहे हैं तो भी आपका 0.25 मार्क डिडक्ट किया जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आपको जो है एग्जाम देना है। अब बात करें कि कौन से मीडियम पर एग्जाम होगा, तो देखिए कुछ सब्जेक्ट है जो साइंस वाला सब्जेक्ट है उसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जाम का मीडियम आपको देखने को मिलेगा यानी कि क्वेश्चन पेपर, जैसे कि बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स।
कुछ सब्जेक्ट है आर्ट्स के, ज्यादातर आर्ट्स के सब्जेक्ट, उसमें आपको बाइलिंगुअल देखने को मिलेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगा, जैसे कि कॉमर्स हो गया, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। एंड कुछ सब्जेक्ट है मतलब जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है उसके लिए रेस्पेक्टिव लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर बात करें कि हो गया स्क्रीनिंग टेस्ट, उसके बाद क्या, तो यहाँ पे देखिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे उससे चार गुना, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है जिन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, एग्जाम अटेम्प्ट किया है, तो उनमें से जो है चार गुना ज्यादा जो एडवर्टाइज पोस्ट है यानी कि 3000 प्लस है, तो चार गुना ज्यादा यानी कि 12000 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, ठीक है, फॉर नेक्स्ट स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। एंड आपका यहाँ पे जो कट ऑफ मार्क्स है ना वो 25% ऑफ द स्क्रीनिंग टेस्ट होना चाहिए। तो स्क्रीनिंग टेस्ट का टोटल मार्क्स था 100, तो यानी कि 25 आपको सिक्योर करना ही करना है अगर आपको आगे बढ़ना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखा जाए कि अगर एप्लीकेशन नंबर ऑफ एप्लीकेशन अगर सॉरी नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स अगर बहुत कम हो गया या फिर मतलब नियर अबाउट यानी कि जो है एकदम जो है चार गुना बोला है तो चार गुना ही क्वालिफाई किया है, तो उस केस में जो है आपको एक सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट डायरेक्टली देने के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का क्या पैटर्न रहने वाला है, 3 घंटे का एग्जाम होगा, टोटल मार्क्स 150 होगा। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस वो तो आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे भी देखिए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो सेम रहने वाला है जो हमने अभी पहले डिस्कस किए थे। ठीक है, कट ऑफ मार्क्स अगर देखा जाए तो 35% यहाँ पे रखा गया है, वेटेज ऑफ द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट विल बी 87.5%। उसके बाद होगा इंटरव्यू, यानी कि अगर आप सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट क्वालिफाई कर गए तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यू का जो वेटेज होगा वो 12.5% होने वाला है। यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में आपने जितने भी मार्क्स एक्वायर किया है, जितने भी मार्क्स सिक्योर किया है एंड इंटरव्यू में जितने भी मार्क्स सिक्योर किया है, दोनों मार्क्स को जो है जोड़ा जाएगा एंड जो जिनका भी ज्यादा होगा वैसे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे सैलरी पर। तो देखिए जो एंट्री बेसिक सैलरी है वो 47,600 सैलरी आपको मिलने वाला है पर मंथ के बेसिस पे, तो स्टार्टिंग सैलरी तो 47,000 के आसपास है एंड 1,51,000 प्लस यानी कि 1,51,100 रुपीज पर मंथ आपको मिलेगा मैक्सिमम सैलरी प्लस यूजुअल अलाउंसेस आपको मिल जाएगा। ओके, तो देखिए परमानेंट पोजीशन है या नहीं वो तो मैं नहीं बोल सकती कि ये परमानेंट पोजीशन है, बिकॉज यहाँ पे कहीं पे भी नहीं जो है मतलब मेंशन कर दिया गया है कि ये परमानेंट पोजीशन है, बट कभी कभार जो है पब्लिक सर्विस कमीशन से ऐसे भी कोई भी अगर वैकेंसीज आ जाते हैं तो उसके लिए भी जो है मतलब रिक्रूट किया जाता है, तो ऐसी बात नहीं है कि ये परमानेंट भी हो सकते हैं, तो मतलब श्योर नहीं है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप जो मतलब जो ऑफिशियल जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स है वहाँ पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एज लिमिट्स यहाँ पे देखिए 42 इयर्स मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है, 18 इयर्स मिनिमम एज लिमिट। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जो एज लिमिट है तो कौन से कैटेगरी के लिए कितना रिलैक्सेशन मिलेगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग चेक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं, देखिए कैसे आपको अप्लाई करना है उस पर सीधा चलते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको करना है एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है कल से लिंक जनरेट हो जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर, अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा लिंक। ठीक है, तो 25 जुलाई से स्टार्ट होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के बाद जो है आपको एक प्रिंटआउट लेके रखना है, जब कमीशन आपको बुलाएगा, कमीशन के द्वारा आपको बुलाया जाएगा तो उस टाइम पे आपको सबमिट करना होगा प्रिंटआउट विद ऑल योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फीस जो है अलग अलग कैटेगरी कैंडिडेट के लिए अलग अलग फीस रखा गया है जो कि फुल्ली नॉन रिफंडेबल है। आप जो है नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं एंड जो लास्ट डेट है 14 अगस्त वो एप्लीकेशन सबमिट करने का भी लास्ट डेट है। ठीक है, तो फॉर मेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल कैटेगरी यानी कि हरियाणा के जो एक सर्विस मैन है उनका कोई भी डिपेंडेंट सन है जनरल कैटेगरी में मेल कैंडिडेट्स, तो उनके लिए 1000 रुपीज रखा गया है। फॉर मेल कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरीज जो अदर स्टेट की जो मेल कैंडिडेट्स है ऑल कैटेगरीज, तो उनको 1000 पे करना होगा एंड जो ओबीसी एनसीएल कैटेगरी का जो मेल कैंडिडेट्स है उनको भी 1000 पे करना होगा। फॉर ऑल फीमेल कैंडिडेट्स मतलब कोई भी कैटेगरी से हो, कोई भी अलग स्टेट से हो, तो वो उनको जो है 250 रुपीज पे करना होगा। फॉर मेल फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ एसी, बीसीए, बीसीबी, एएसएम कैटेगरीज ऑफ हरियाणा ओनली एज वेल एज ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 250, जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट है उनके लिए कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जैसे मैंने बताया ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपको फिल करना है।
कोई भी चेंज करने का, कोई भी करेक्शन करने का आपको मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए फाइनल सबमिशन से पहले एक बार जो है अच्छे से प्रीव्यू करके चेक कर ले, उसके उसके बाद जो है फाइनली सबमिट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है एप्लीकेंट्स सॉरी आर एडवाइज टू सबमिट ओनली सिंगल एप्लीकेशन। तो आप मल्टीपल एप्लीकेशन करेंगे तो आपका कैंडिडेट जो है वो मतलब उसको जो है कैंसिल मतलब किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद ऑल योर अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी ब्रॉट एट द टाइम व्हेन कॉल्ड अपन टू डू सो बाय द कमीशन। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे अपलोड करना है उस टाइम पे, तो पहले से आपको रेडी रखना है। तो चेकलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, यहाँ से आप चेक कर लीजिए। उसके बाद नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह आपको अगर चेक करना है तो उसके बारे में जो डिटेल्स दिए गए हैं वो आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए सीधा स्क्रॉल डाउन करते हुए ऊपर नीचे आना है एंड यहाँ पे आपको सारे के सारे सब्जेक्ट में जो है सिलेबस देखने को मिलेगा एक के बाद एक। जो भी सब्जेक्ट में आप इंटरेस्टेड है उसके अकॉर्डिंग सिलेबस वगैरह चेक कर लीजिए। ठीक है, तो ये आया है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, तो बहुत ही अच्छी नोटिफिकेशन है। परमानेंट है या नहीं ये मैं कंफर्म नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पे कहीं पे मेंशन नहीं किया गया है। तो जितना लगता है मुझे वो परमानेंट ही है। अब यहाँ पे आप लोग अप्लाई कीजिए बिकॉज बहुत सारे वैकेंसीज है एंड ये गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब मिलना आजकल बहुत मुश्किल हो गया है। तो पीजीटी में इतने सारे वैकेंसीज के साथ रिलीज किया गया है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, तो जरूर ग्रैब कीजिए। तो देखिए 25 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड मतलब 14 अगस्त तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं www.hpsc.gov.in। आपको क्या करना है, ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है, एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करके सबसे पहला जो नोटिफिकेशन दिखेगा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एंड ऑनलाइन लिंक विल बी अवेलेबल फ्रॉम 25 जुलाई। तो अभी नहीं है, कल से आपको यहाँ पे ऑनलाइन लिंक देखने को मिल जाएगा। मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो नीडफुल या हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी डाउट या फिर क्वेरीज के बारे में बताएं एंड उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिनको भी ये वीडियो देखने की जरूरत है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।